मैम रुक गया सिराज मैम, दादा पीछा जो था, सॉरी क्या कहना चाहेंगे आज के ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे अच्छे से अवार्ड के बारे में? एक्सक्यूज मी मैम, क्या अरे आप इधर आ जाइए मैम जी, मैम से बाद में। ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे अच्छे से अवार्ड के बारे में? फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंस्पायर अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय सिराज जी, शी हैज बीन डूइंग दिस सेलिब्रेशन एवरी ईयर एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू celebrate the success of many people who are in the fields of wellness and its holistic awards, yoga, palm reading, face reading, vastu. So I got to meet people who have really achieved high levels of success in their chosen fields. And I really believe that if you can bring your body, your mind and your spirit into balance, then you'll be content and you'll be happy. And what else does anyone want? आई थिंक मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ और मैं मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड एट टाइम्स. आई बिलीव कि कभी कभी आपके ऐसे साइंटिफिक आंसर्स कभी मिलते नहीं हैं. समटाइम्स यू हैव टू टर्न टू द ऑडेस्ट प्लेसेस टू गेट द आंसर्स. जब भी आपको कुछ लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आपको कहीं से मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, आप बेटर फील कर रहे हैं, यू शुड एक्सप्लोर दोज थिंग्स. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू. I'm really elevated today to be honored by this Inspire Holistic Wellness. This is the fifth edition, I think, Siraj. And I really thank to Siraj and Gitanjali for the same. और इवेंट बहुत अच्छा था. इससे मुझे ये लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते कि लोग और दुनिया उनको जाने. अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया कि लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है. तो मुझे लगता है कि ये सिराज ने जो इनिशिएटिव लिया, दिस इज़ रियली लाइक वर्ड्स फील वेरी स्मॉल फॉर हर टू गेट पीपल अराउंड. सो इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाना करना, और हमारे बीच जो महाशय है अरुण जी, आनंद जी सॉरी, तो ये भी काफ़ी पुराने, मेरे ख्याल से 40-45 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी आदरणीय है हमारे और हमारे बीच में. हमारे सौभाग्य की हमारे साथ आ जाए. और मैं सिराज जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो इस प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी, तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं. थैंक यू सर. हम सब आगे मिल के आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इसको एक बहुत इंटरनेशनल लेवल. और मैं एक बात और कहूँगा यहाँ से आपके माध्यम से, कि हमें सिराज जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ये एस्ट्रोलॉजी को
मान्यता दे इस तरीके से कि इसको एक कॉलेज में पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से। काफ़ी स्टेट्स में शुरू हुआ है लेकिन अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि वेयर साइंस एंड्स एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स, जहाँ एक हमें उम्मीद ख़त्म हो जाती है साइंस में कि डॉक्टर कहते कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एस्ट्रोलॉजी से हम कुछ पता लगा सकते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए इस साइंस को प्रमोट करने के लिए स्कूल के माध्यम से, एजुकेशनल के माध्यम से, तो मैं कहूँगी कि हमने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, 2 साल पहले कोशिश शुरू कर दी है, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए। कई बार हमने विजिट भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, हेल्थ केयर मिस्टर श्रीपद नायक जी से हमारी मुलाकात हो रही है, और कहीं ना कहीं हम ज़रूर इस जो स्पिरिचुअल होलिस्टिक एंड वेलनेस जो मोडालिटीज़ हैं हमें, उसको हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और गवर्नमेंट लेवल पे लेके आएंगे और रिकग्निशन ज़रूर दिलाएंगे, ये मैं वादा करती हूँ। मैं पिछले काफ़ी सालों से गरीब बच्चों को ना सब्जेक्ट काउंसलिंग कर रहा हूँ, उन्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कैसा कैरियर उनका होगा, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही अगर बताया जाएगा कि उनको किस दिशा में जाना है तो हम उनको ना प्रमोट भी करेंगे और ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वो अपनी लाइफ में अचीव करके। तो सब्जेक्ट काउंसलिंग शुरू से होनी चाहिए और मैं हर सप्ताह गरीब बच्चों को निःशुल्क देती हूँ। तो सर इसका क्या चार्ज होता है? ये कोई चार्ज नहीं इसका, ये सेवा है। इसी तरीके से जैसे सर ने बताया कि हम जहाँ एस्ट्रो वर्ल्ड एंड इंस्पायर के माध्यम से हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा प्रयास अगर किसी की लाइफ में अगर 10% भी बदलाव ला सका तो हमें ऐसे लगेगा हमारे ये करने का जो हमने शुरू किया है ये सफल रहा। और एट द सेम टाइम सिर्फ बड़ों की नहीं, हमने अपने स्कूल लेवल्स पे हमारे डायरेक्टर सागर जोनले, देवेंद्र जोनले, श्वेता जी ने, और हमने अपने मैनेजमेंट लेवल पे हमारे सब स्कूल्स में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है पिछले 2 साल से, एंड हम आने वाली जनरेशन को भी करेक्ट करने के में हमारे योगदान हमने शुरू कर दिया है। तो इट्स नॉट ओनली वी द मासेस, बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू करेक्ट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है सागर जोंदड़े, आई एम ऑर्गेनाइजर फॉर दिस इंस्पायर अवार्ड्स एंड वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज एस्ट्रो वर्ल्ड एक्सपोज, एंड ऑल्सो आई एम मैनेजिंग ट्रस्टी इन जोंदड़े एजुकेशनल ग्रुप। And in all our motives, the basic core purpose is to make a meaningful change and to transform the masses. पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनमें से कितने सारे लोग पीड़ित हैं, कितने सारे लोगों को सही दिशाओं का पता नहीं है, कितने सारे लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, वो ऐसे एक माध्यम ऐसी एक दिशा के खोज में हैं कि जहाँ से उनको आगे की तरफ लिया जाए और वो आगे चले जाए, लेकिन उनके ये हर्डल्स और ये हर्डल्स में जो उनको बहुत ही अच्छा अप्रोप्रिएट हेल्प हो सकता है वो हेल्प एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक रेकी मास्टर और एक वास्तु कंसल्टेंट या स्पिरिचुअल वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने वाले कोई ना कोई ऐसे इंसान के थ्रू उनके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो बदलाव आता है। और हमने सदियों से देखा हुआ है कि लोगों ने काफ़ी प्रेरित किया हुआ है कितने सारे लोगों के जीवन को, एक बुद्ध ने कितने बड़े जीवन कितने सारे समुदाय को प्रेरित किया हुआ है कि आज लोग एक रिलीजन आज वो बन चुका है, कितने सारे बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है। हम ऐसे लोगों को खोजते हैं और लोगों के सामने हम उनको पेश करते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ का और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि उनका जो एनर्जी एक्सचेंज हो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से हो और लोगों को जो एक वन सिंगल डेस्टिनेशन पे काफ़ी सारे चीज़ें उनको देखने को मिली और एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। इसी एक माध्यम से, इसी एक विचार से हमने एस्ट्रो वर्ल्ड और इंस्पायर अवार्ड्स की शुरुआत की है कि ऐसे लोगों को इंस्पायर अवार्ड्स में अवार्ड दिया जाए कि जो एक बहुत ही बड़े समुदाय के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हो और जो आने वाली भविष्य में पीढ़ियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो।
और जिन्होंने काफ़ी सारे जीवनों को परिवर्तित किया है, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, परिवर्तन लाया है, और ऐसे हर उस इंसान को साथ ले कर चलने का हमारा वादा है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का सुनामी हम लाने की कोशिश में है और इसमें हम चाहते हैं कि आप सबका हमें बहुत बहुत बड़ा सहयोग मिले। धन्यवाद। मेरा इवेंट कंपनी है अंबदन्या एंटरटेनमेंट। अंबदन्या एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स कंपनी, सीईओ है हमारे प्रभाकर शेट्टी एंड आई एम एमडी गीतांजलि राव। इंस्पायर, पहला जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ बिकॉज मैं बेसिकली अ चक्रा हीलर हूँ और मैंने चक्रा हीलिंग सीखा है स्मिता जयकर जी से और बहुत अच्छा अनुभव है और सिराज बहुत अच्छा मन से करती है। तो हर बार जब भी उनको कोई सेलिब्रिटी चाहिए रहता है तो गीतांजलि कोई सेलिब्रिटी है क्या, तो पिछले साल मैंने रिमी सेन दिया। फिर मैंने नोटिस किया कि इसको और एक लुक दे, इस इवेंट को और एक स्टैंडर्ड दे। फिर मैंने कहा कि सिराज यू कैन चेंज इनटू अ गुड एंकर, टोटल उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, पीआर है, क्योंकि ये जो हीलिंग्स है इट्स अ अल्टरनेट साइंस। इंसान जो सचमुच दवाइयों से नहीं कमी होता है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग से होता है और मैंने बहुत से लोगों को वाटर थेरेपी से हील किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंबदन्या एंटरटेनमेंट इज सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, वी मैनेज सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सिंगर्स। मेरा पर्सनली करियर ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन से हुआ जब हास परी हास था, अभी तो डिजिटल बीटा और चिप आ गया, वो दौर से दिया है। एंड आई ऑल्सो टीच BMM स्टूडेंट्स मास मीडिया लेक्चर्स, टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मुझे अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, और मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मैं हमेशा समझती हूँ कि कोई दुख है तो मैं भी दुखी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ओल्डीज से भी काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू अनुषा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस PR एंड शी इज़ अ जेम। आई एम बीन फॉलोइंग ऑन फेसबुक विथ हर एंड शी इज़ अ वेरी डार्लिंग एंड बहुत अच्छा रहा आज, उनके वजह से और चार चांद लगे इंस्पायर स्पिरिचुअल होलिस्टिक वेलनेस अवार्ड्स। एंड थैंक्स टू सिराज जोंदड़े हु बिलीव्स मी, हु हैज़ लॉट ऑफ फेथ इन मी। मेरा एक ही होता है, मेरा और मेरा पार्टनर का, कोई भी इवेंट करो तो अच्छा करो, दिलों से करो और अपना समझ के करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पायर, थैंक यू सिराज मैम, मुझे वास्तु पिरामिड वास्तु एक्सेलेंस का अवार्ड देने के लिए। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। वास्तु कोई वहम या श्रद्धा नहीं है, पर वो एक दिशाओं का साइंस है और सब लोगों को वास्तु कराना ही चाहिए। मैं विदाउट तोड़फोड़ के और विदाउट डिमोलेशन मैं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी रेमेडीज देती हूँ पिरामिड इंस्टॉल करके। अगेन थैंक यू इंस्पायर, थैंक यू सिराज मैम। Hi, I'm Komal Shah. I'm grateful to Siraj, the Inspire team and the Care World for this honor today. I have received the Icon Award for Tarot Reading Skills and the guidance that I provide. I am really, really grateful. Thank you. कैसे फील कर रहे हो आप ये आध्यात्मिकता को फॉलो करके? हिंदी में पूछना। आज इंडिया में जो स्टेटस है इसमें देखा जाए तो हीलिंग ही हेल्प कर सकता है हमारी कंट्री को। सो इट्स वेरी नाइस कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं और यहाँ पे साथ में आए हैं, और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी सब एक लोकेशन पे होती है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सिराज जोंदड़े इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, शी एक्चुअली ब्रिंग्स दिस होल सेट ऑफ पीपल टुगेदर हियर एंड क्रिएट्स दिस इंस्पायर अवार्ड्स। आई होप मेनी मोर पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हर। I was very happy today to get receive an award for most inspiring life coach. I have been doing lectures for children and I have been doing motivation and inspiration and I have been talking to people about life and guiding them for a very long time, but it is nice to be acknowledged out here on a platform. More than anything else I am very happy ki hum sab ek platform par aaye, hum sab ek hokar achhi baatein ki aur achhi soch ek saath hoti hai. I hope and pray दैट ये जो इंस्पिरेशन यहाँ पे हुआ है ये नेशन भर में आए और कम से कम आम आदमी इतना इंस्पायर हो कि वोट करे। थैंक यू।
I am very thankful for Care World. I am very thankful Care World and Inspire also. I am very thankful today इतना बड़ा achievement मुझे मिला. I am signature analysis. I am Ruma Sina. And इधर आके बहुत जनों से मिला. ये सब अचीव अच्छा लगा मुझे. This is for me wow moment. बेसिकली द थिंग इज एक कुछ भी चीज़ को अवार्ड देना इज़ अ बिगेस्ट इंस्पिरेशन जो आप हर एक इंसान में ला सकते हो. एंड ये इंस्पिरेशन लाने के लिए जो एफर्ट्स इन्होंने दिखाई है एंड जो मोटिवेट किया हर एक को इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट जो एवरी वन शुड डू. एंड वी सिंसियरली थैंक Inspire Awards, the team of Inspire Awards, and all the members, the jury who have joined with this panel and supporting the newcomers, the beginners in this lifestyle. Okay, sir, after Ganesh. ये हमारा invention को आज recognition मिला है. Inspire ने हमारे 18 साल की जो R&D थी, पानी को कितना हम लोग हमारे life के लिए important है, कितना हम लोग उससे अपनी health बना सकते, wellness कर सकते. बहुत चीज़ों का हम लोग को रिकॉग्निशन मिला है तो वी थैंक इंस्पायर फॉर दैट. थैंक यू.